नोएडा में यमुना पुश्ते पर बने फार्म हाउस में रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने छापेमारी करके 161 लड़कियों के संग 31 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात आतंकवाद निरोधी बल की महिला दस्त में शामिल 4 अफसरों ने घने जंगल में से 15 हत्याओं के वांछित कातिल को गिरफ्तार किया है। रविवार को एक विमान हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। संगरू के गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम राजेंद्र गौर भट्टल को एक युवक के सवाल पूछने पर उसे थप्पड़ मार देने से माहौल गर्मा गया था। चक्रवाती तूफान फैनी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचे थे।